एक हसरत को पिया जाम से पहले पहले परिचय करा देते हैं। आप हैं डॉक्टर मनीष झा, ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, सागर की क्या डॉक्टर हैं। इसके साथ साथ जितने अच्छे डॉक्टर हैं उतने अच्छे लेखक भी हैं। इनका एक गीत गीता नाम से ही इनकी पुस्तक है, जो गीता का वर्जन है, तो वो बहुत अच्छा इनका प्रकाशन है। और इसके साथ इनकी अन्य रचनाएं भी प्रकाशित हो चुकी हैं। और अभी जो इन्हें गजलें लिखी हुई वो आज आपके सामने उन्मोचन करने वाले आप हैं श्री ब्रजेश मिश्र जी, हमारे ब्रदर इन लॉ और बहुत अच्छे संगीतकार हैं, बहुत अच्छे गायक हैं और देश विदेशों में मिलियंस ऑफ व्यूज हैं इनके भजनों के। और जो ब्रह्म कुमारी जी आश्रम है उनके लिए भी ये बहुत सारे प्रोडक्शन कर रहे हैं। आप अपना भी परिचय दें। अब मैं तो आप सब लोगों का छोटा भाई हूँ और हमने सितार और म्यूजिक में पीएचडी की है। पीएचडी के उपरांत हम म्यूजिक प्रोडक्शन के काम में अभी विलीन है साथ में। तो सर सबसे पहले तो आपसे ये सवाल करेंगे कि ये जो जुस्तजू एल्बम है ये विचार कैसे आया और आपने कैसे इसकी शुरुआत की? हम गजलें लिखते थे और आदरणीय मुन्ना शुक्ला जी जो हैं आपके फादर इन लॉ, उनसे हमारी बहुत अच्छी मित्रता है और वो एक कथा और साहित्य के बहुत अच्छे आलोचक हैं वो, तो हम उन्हें गजलें और ये कविताएं हैं उनके पास जरूर हम उनको देते थे कि आप पढ़ें और इस पर आलोचना दें। और उन्हें उन्होंने आदरणीय ब्रजेश मिश्रा जी को वो कवि वो गजलें दिखाई और उन्होंने प्रेरित भी किया और ब्रजेश मिश्रा जी का की बहुत कृपा रही कि उन्होंने उन हमारी उन गजलों को इस लायक समझा कि उसको संगीत दें और उस पर अपना स्वर दें। और मैं उसके लिए बहुत ही आभारी हूँ उनका कि उन्होंने एक बहुत, और हमने सुना है बहुत खूबसूरत आवाज है इनकी और बहुत सुंदर गजलें बनी हैं। मिश्रा जी, हमारी जनता भी सुनना चाहेगी कि आपने किस आवाज में दो लाइन यदि प्रस्तुत कर सकें तो। देखिए, पहले तो डॉक्टर साहब के बारे में कहना चाहूँगा कि इनकी जो गजलें हैं, एक अच्छा संगीतकार, एक अच्छा गायक हरदम एक अच्छी पोइट्री खोजता है कि उसको एक अच्छी रचना मिले, अच्छी गजल मिले, अच्छी शायरी मिले जिसको वो गा सके और जो हमारी जनता जनार्दन है वो उसको पसंद करे। तो हम भी उन्हीं में से थे कि हमें एक अच्छी गजलें चाहिए थी कि कहाँ मिले कहाँ मिले, और तभी अचानक डॉक्टर साहब मिले और इनकी गजलें जो थी बहुत सारी थी, हालांकि मैं तो कम बना पाया, बहुत सारी गजलें आपने लिखी हैं जो कि अच्छी अच्छी हैं, तो उनमें से हम लोगों ने कुछ गजलें चुनी साथ में और उनको कंपोज किया और वो आप सभी के समक्ष बहुत जल्दी आने वाला है। आज उसकी हम लोग विमोचन करेंगे और हर वीक हम लोग ने ये प्लान किया है कि एक एक गजलें सभी को सुनने के लिए हम लोग लॉन्च करते रहेंगे। जहाँ तक आप गजलों की बात करें तो इनकी एक गज़ल बहुत मुझे पसंद है, वो है गलियों में जाने क्यों नहीं है नूर आजकल, शायद शहर से वो कहीं है दूर आजकल। इसकी भी धुन हम लोगों ने कई बार बदली, कई बार इसमें सोचा गया कि भाई किस तरीके से दिखाए, और लॉकडाउन में जिस तरीके से हम लोग कैद हुए थे घर में वो उस समय सीन यही था, तो उसको हम लोगों ने कंपोज किया। गलियों में जाने क्यों नहीं है नूर आजकल, गलियों में जाने क्यों नहीं है नूर आजकल, शायद शहर से वो कहीं है दूर आजकल, गलियों में जाने क्यों नहीं है नूर आजकल। बहुत ही सुंदर। तो क्योंकि ये ऑडियो आपके सामने आ गया था सिद्धार्थ जी, तो फिर आपने इसका वीडियो वर्जन तैयार करने के लिए जो मेहनत की है, जब देखिए जीजा जी से चर्चा हुई ब्रजेश मिश्र जी से कि इसका अपन किस तरीके से ऑडियो बना सकते हैं, तो जो हम लोगों ने ओरिजिनल अकोस्टिक इंस्ट्रूमेंट्स
का सहयोग लेते, उसमें कंप्यूटर जनरेटेड साउंड्स बहुत कम है। उसकी जब धुन बनाई और जीजा जी ने इतनी अच्छी धुन बनाई ब्रजेश जी ने कि मतलब जिन लोगों को भी हमने थोड़ा सुना है कि इसको इस तरीके से बना सकते हैं, सबने ये सजेशन दिया कि इसको वीडियो आप इसका पूरा एल्बम बनाइए, वीडियो एल्बम बनाइए इसका। तो उस तरीके से फिर दिल्ली में रिकॉर्डिंग की, अकूस्टिक इंस्ट्रूमेंट्स का उपयोग किया और फिर झा साहब का जैसा निर्देशन रहा उसके तहत हम लोगों ने फिर इसकी वीडियो बनाने की भी तैयारी की। पहले पहले एक हसरत को पिया जाम से पहले पहले।